पहुंच गए क्या? चल गिरफ्तार कारीगर। मुझे तो लगा तू वीडियो बनाता है, बड़ा हाई फाई कारीगर होगा, तू तो दिहाड़ी मजदूर निकला। मैं ग्राउंड लेवल का कारीगर हूँ ना, इसीलिए ऐसा दिखता हूँ। पर मैंने तो तेरे बारे में सोचा था तू मदनपुरा का है, बड़ा गिरस्ता होगा, पर तू तो चिंदी चोर निकला साला। चला बैठ के बात करते हैं। कारीगर तेरे बारे में, पहले पान मंगाओ। बैगन वे दो पान लेकर आओ। पैसा दो। पैसा नहीं है, ले ले अपने पैसे का, खाते में जोड़ देंगे। 2000 रुपया वो आपका। अबे जा, जेका लिया कभी ना दिया, तोरा लेके भागी देखा। कारीगर तूने मेरे बारे में जैसा सुना है, मैं वैसा नहीं, मैं पैसे देता हूँ, चोर नहीं। बोलता जा। मैंने तुझे बुलाया पर तू नहीं आया, इसलिए मैं खुद चल कर आया, मुझे तुझसे मिलना जो था। वजह? तू मुझे प्रोडक्शन देने वाला कारीगर लगा, मैं चाहता तो दूसरा कारीगर लगा देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तेरी कुंडली जानता हूँ, तेरे अब्बा गुलगट्टा ठीका के बगल में चना बेचते रहे और तेरी अम्मा बाहर की कौन भरती रही। तेरे अब्बा क्या हुआ? बहुत तेज धूप है, चल कहीं आओ बैठा जा। चल तो मैं कह रहा था तेरे अब्बा चना बेचते बेचते मर गए, तेरी अम्मा कौन भरते भरते मर गई, तू अनाथ हो गया। उसके बाद अपने अब्बा का कारोबार बढ़ावे खातिर थरिया में चना लेके गाजी मियां के मेला में बैठ गई। यही नहीं, फिर छित्तनपुरा, आजाद पार्क, सरैया, दुल्हीपुरा, यहाँ तक कि लोता का छड़ी के मेला में भी चना बेचा, पर तेरा बिजनेस नहीं चला। फिर परेशान होकर तू भटकता रहा, तो मनहार पर तुझे एक अनाथ लड़का मिला जो हड्डी बीनता रहा। तू उसके साथ मिलकर हड्डी बीनने लगा, लेकिन कुछ खास कमा नहीं पाया, हालत बस से बदतर हो गई। फिर हड्डी बीनते हुए सरैया के हकीम हाजी गिरस ने देखा तुझे, फिर तुझे वहाँ से उठाकर पुराने पुल वाले कारखाने में लूम चलाने का मौका दिया। तेरा प्रोडक्शन अच्छा था और तूने मुकादमी भी सीख ली, इसलिए वहाँ के कारगर तुझे भाई मानने लगे और तू बड़ा कारीगर बन गया। आई लाइक इट। बस पान। इका सुअर पंती है बे, और इधर आ इधर आ, कितना टाइम होगा पान ले जाए? दुकान पर बड़ी भीड़ है बॉस, अलाइक पूरा जनतो नहीं, सब खड़े रहते हैं। गिरस, तुझे क्या लगता है कि कारगर तेरे बारे में कोई खोज खबर नहीं रखता है? तेरा असली नाम इरशाद है। एक जमाने में तू दलमंडी और हड़ा के सराय में प्लास्टिक बिनता था, छुपिए के लालच में आकर तूने छक्का से शादी कर ली, और वो जब तुझे चूसने लगा तो तू कमजोर पड़ने लगा, तूने उसे जान से मार दिया और जेल चला गया। और जेल से बाहर आने के बाद तूने अपना नाम बदल कर अरबाज रख लिया, उसके बाद तूने चौक की गद्दी पकड़ ली और वहाँ पर काम करने लगा। काम करते करते पार्सल से एड्रेस और नंबर चुरा चुरा कर दूसरे गद्दीदारों को दे देकर पैसे लेता रहा। फिर एक दिन पकड़ा गया तू, और उसने तुझे बहुत मारा, काम से निकाल दिया, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी मालिक की गद्दी से तूने पैसे चुराए और खुद की मदनपुरा में गद्दी खोल ली। तू यहीं नहीं रुका, तूने लोगों से माल लेकर उसके पैसे नहीं दिए, और इसी तरह तूने रोड पर कई मकान खरीद लिए। तेरी इस हरामखोरी की वजह से लोगों ने माल देना बंद कर दिया। फिर तूने अपने ही घर में मशीन लगाई और कारगर ढूंढने निकल गया। फिर तुझे पता चला कि कारगर का सरदार मैं हूँ, तू मेरे तलवे चाटने आ गया, पक्का दोगला है तू। तूने तो मेरा फाड़ा खोल दिया, बनारस की किसी गिरफ्तार के पास मेरी इतनी जानकारी नहीं होगी। अबे नडवा, मैंने तो इसकी पोल खोली थी, इसने तो मेरी लुंगी ही फाड़ दी। चकचौनी सूझ गई का? कारगर लोग इतना चुतिया नहीं होते जितना तुम लोग समझते हो, टाइम बदल गया है। मान गए यार, आई लाइक इट, गुड गुड, लेकिन कुछ भी कहो कारगर कारगर ही रहेगा, गिरस्ता गिरस्ता ही। हल्के में मत ले, अगर फाड़ा खोल दिया ना तो पूरे मदनपुरा के गिरस्ता बह जाएंगे। ए, 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 कूल कूल शांत हो जा, मुझे तुझ जैसे कारगर की जरूरत है, अच्छी मजदूरी दूंगा। रुक गया साले, ओवर एक्टिंग की दुकान। पता नहीं मदनपुरा की पाक साफ जमीन पर तुझ जैसा नापाक गिरस्ता कैसे पैदा हो गया। जबान संभाल,
तू जानता नहीं मेरे को, जानने की जरूरत भी नहीं है। शुक्र मना कि तू मेहमान है, वरना काटी मशीन में तुझे डालकर कीमा और पोशिंदा एक साथ बना देता। निकल जा, दफाओ। उठ जा उठ जा, चल बहुत हो गया अलीपुरा में बेइज्जती। चल तो मत जाओ, बेइज्जती होती है। चलो यार गलती हो गई।